close till I get up. Time is barely on our side. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी फैमिलीज में भी सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे वीडियो में। बट उससे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक बिग वाला सरप्राइज है, तो चलिए पहले सरप्राइज देख लेते हैं। मगर उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे आगे वीडियो को लाइक और शेयर। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को सरप्राइज दिखा देती हूँ। 3, 2, 1। तो ये रहा हमारा सरप्राइज। पर देख सकते हैं हमारा जो सेटअप है वो बड़ा हो चुका है। और अभी एक बात और बताऊं मैं, जब से सेटअप बड़ा हुआ है बर्ड्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं। आप लोग उनकी वॉइस भी सुन सकते हैं। और लेकिन इसको बड़ा कराने में जब सेटअप पर वर्क चल रहा था बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो गाइस अभी पहले मैं आप लोगों को बाहर से विजिट करा देती हूँ, देन बहुत कुछ मुझे आप लोगों को बताना भी है और उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे एंड अंदर से आप लोगों को पूरा विजिट कराऊंगी मैं और एक एक चीज़ दिखाऊंगी आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोग बाहर से देख लीजिए। गाइस यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो मतलब सेटअप है, ये जो मैंने इसके ऊपर जाली लगवाई है, ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे कॉलम हैं वो इसलिए क्योंकि इससे पहले जब मेरा पहले वाला सेटअप था और जो मैंने मतलब उसमें जो जाल लगा हुआ था वो क्या हुआ था, कुछ बर्ड्स उसमें से निकल जाते थे, छोटी वाली जो बर्ड्स होती हैं वो बाहर निकल जाती थी। जो ये वर्क कराया है बहुत प्रॉपर तरीके से कराया है और इसमें जो ये छोटे छोटे होल दिए गए हैं इसमें ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि तो अगर बर्ड्स अंदर वाले सेटअप से अगर कोई बर्ड्स बाहर आ भी जाती है तो वो मतलब पूरी तरह से बाहर नहीं आएगी, अगर इसी के अंदर रह जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये अच्छे से स्क्रू वगैरह जो है इसमें फिट करा दिए हैं और काफ़ी मजबूती से काम हुआ है, तो मतलब ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे पहले हो जाती थी बर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को गेट बता देती हूँ इसका। गाइस ये वाला जो देख रहे हैं ये एंट्री गेट है इसका। जब भी मैं इसके अंदर की तरफ एंट्री करती हूँ तो मैं यहीं से, और ये जो ये डबल लॉक लगवाए हुए हैं उस टाइम बाद इसमें लॉक भी लगाने वाली हूँ क्योंकि पीछे अगर कोई इसको ओपन वगैरह कर देता है थोड़ा परेशानी हो जाएगी इसमें। तो गाइस हमारा जो सेटअप है उसके जो डबल लॉक है उसका रीज़न मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसलिए लगाया हुआ है, जैसे कि अगर कभी कभी मैं नहीं होती हूँ तो अगर पीछे से कोई मेरा फैमिली मेम्बर है या कह सकते हैं कैट वगैरह मंकीज वगैरह देखते हैं आप लोग इतना परेशान करते हैं तो अगर वो मतलब एंट्री वगैरह ना करें तो इसलिए डबल लॉक है। तो जब भी मैं अंदर जाती हूँ बाहर आती हूँ तो मैं डबल लॉक ही करती हूँ इसलिए। अब गाइस मैं आप लोगों को इस वाले डोर की बता देती हूँ। ये हमारा इसलिए है कि अगर अभी कोई भी हमारा मतलब जैसे कि बड़ा सामान वगैरह होता है अगर हमें इसे अंदर की तरफ करना है, वहाँ पर भी आप जरूर लोग देख रहे होंगे वो मैंने इसी मतलब उन लोगों ने वो इसी गेट से अंदर की तरफ किया था। और ये जो है जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था जब सेटअप बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी मैं परचेज करने वाली हूँ, तो वो इसीलिए है कि जब प्लांट्स बड़े आएंगे तो मतलब उसी से मतलब मैं अंदर की तरफ करूँगी तो ये वो थोड़ा छोटा है ये उससे थोड़ा बड़ा है। तो फ्रेंड्स बाहर से तो आप लोगों ने विजिट कर लिया है और अब बिना देरी के चलते हैं अंदर की तरफ। तो आइए मेरे साथ। चुकी हूँ और इसमें क्या क्या वर्क कराया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। गाइस चलिए मैं आप लोगों को सेटअप बता देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ये बजीज का है। सभी के सभी जो हमारे बजीज हैं वो इसी के अंदर हैं और जो एक मेरा जावा स्पैरो का पेयर है वो भी मैंने इसी के अंदर मतलब उसको रखा हुआ है। पहले क्या था जो हमारा ये केस था इधर फिंचेस थी और इधर बजीज थे, तो अभी मैंने इसके टू पार्ट हो गए हैं और बजीज मैंने इधर कर दिए हैं और अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फिंचेस का। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये वाला जो मेरा मिनी सा सेटअप है क्यूट सा,
ये मेरी फिंचेस का है, सभी के सभी जो फिंचेस हैं वो इसी के अंदर हैं। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं अंदर की तरफ, और ये जो मैंने इनके जो नेस्टिंग वगैरह थी इनकी पुरानी वाली जो रखी थी वो सब मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अभी कुछ के अंदर एग्स भी हैं, और ये देखिए अभी कुछ नेस्टिंग पर हैं और अभी कुछ बाहर की तरफ बैठी हुई हैं। और चलिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल से बजीज के सेटअप पर भी लगाए हुए हैं कुछ, और कुछ यहाँ पर लगा दिए हैं, और जो बाकी के जो बड़े बड़े प्लांट्स थे वो मैंने यहाँ पर सेट कर दिए हैं सब। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारे पिजन्स जो हैं वो कहाँ पर हैं और उनका सेटअप किधर है, दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर जो है ये मैंने अपने पिजन्स का जो सेटअप है वो यहाँ पर सेट कर दिया एक साइड में। लेकिन उससे पहले अभी मैं इनको बाहर की तरफ निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, ये फीड भी ले लेंगे और थोड़ा इधर उधर घूम भी लेंगे क्योंकि बहुत देर से बंद भी है ये। तो चलिए मैं इनको पहले बाहर निकालती हूँ और इनको दाना दे देती हूँ, और उसके बाद मैं आगे का आपको विजिट कराती हूँ। बहुत देर से आ मैंने इनको बंद कर दिया था दोपहर में, जब फीड देने के बाद बंद कर दिया था, क्योंकि पूरे दिन इतनी ज़्यादा मतलब परेशान करते रहते हैं। कल की बता दूँ, मैंने इनको बाहर निकाल दिया था, और जब मैंने इनको बंद किया एक ऊपर एक इधर उधर उधर, मतलब फाइनली केज भी बड़ा हो गया, इन लोगों को भी मालूम है, तो कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है, पूरा दिन मतलब इतना परेशान करके रख दिया। तो अभी क्या किया, आज मैंने इनको बंद कर दिया, नहीं निकाला बाहर, तो अभी मैंने मतलब बहुत देर बाद निकाला है ना, क्योंकि सारे के सारे आ गए हैं, और देखिए भूखे भी बहुत ज़्यादा हैं। पानी भी रख देती हूँ मैं इनका साथ के साथ ही, वरना फिर पानी नहीं पियेंगे। आज के ब्लॉग को यहीं पर ओवर करती हूँ, और अभी सेटअप में बहुत कुछ रह गया है जो कि मुझे आप लोगों को विजिट कराना है, नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। और आप लोग प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा सेटअप, और अभी सेटअप में क्या क्या कराना है, अभी बहुत कुछ बाकी है, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और देती हूँ मैं आप लोगों को, अभी इसका नेम भी हम लोगों को रखना है, तो जल्दी जल्दी नाम सोचिएगा और बाकी कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।